या स्टूडेंट कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। तो यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। ओके? यस सर। नाउ आई विल टेल टू यू अबाउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, प्लीज लिसन इट केयरफुली, लिसन इट स्टूडेंट्स। सपोज इट इज ए चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो इंफ्लुएंस है ये पॉजिटिव चार्ज यहां तक इंफ्लुएंस है इसका। इस पॉजिटिव चार्ज का इसके अंदर अंदर इंफ्लुएंस है जो जो मैंने टोटलाइज किया है। लिसनिंग स्टूडेंट्स, और अगर मेरा कोई यहां पे चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है यहां से, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इंफिनिटी पे है। इस चार्ज को मैं आई विल टेक टू दिस पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट इस चार्ज को मैं इस इंफिनिटी से, इसके इस चार्ज पर जो इंफ्लुएंस है, इसके बाद जो भी चार्ज होगा वो इंफिनिटी होगा। यहां से मैं अगर इस पॉजिटिव चार्ज को ए पे लाऊंगा तो सम वर्क विल बी डन। तो बोला था दिस पॉजिटिव चार्ज वी आर टेकिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, then some work is to be done. That work is to be done is called electric potential. That is called electric potential. Or if you want to, and this one mathematically, if you want to write electric potential must be equal to work, जितना वर्क आपने किया अपॉन चार्ज, मींस डब्ल्यू अपॉन क्यू, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी वोल्ट, इट्स यूनिट इज एसआई यूनिट इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, जो ये पॉइंट है ये इस चार्ज जो फिक्स्ड चार्ज है इसके इन्फ्लुएंस में लाई कर रहा है। यहां से यहां तक इस पॉइंट को मैं लाऊंगा दैट वर्क शुड बी डन, जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। नाउ द एसआई यूनिट यू कैन राइट वोल्ट, और इफ यू वांट टू राइट वन वोल्ट, वन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क इज जूल, वन जूल अपॉन चार्ज इन पर कूलम, वन जूल पर कूलम इज इक्वल टू वन वोल्ट। से इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाट यू हैव रिटन अबाउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अगर आप नोट्स के वे में लिख रहे हैं, वेरी सिंपल, आपको ये फिगर दिखानी है, एक फिक्स चार्ज दिखाना है, इस फिक्स चार्ज का इतना इन्फ्लुएंस है, यहां तक इसका इन्फ्लुएंस है, और ये चार्ज जो है इसके इन्फ्लुएंस से बाहर, जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं बाहर से इधर लेके आऊंगा इस चार्ज के अंदर, तो जो वर्क किया जाएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाट इज, व्हेन ए व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज, व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, वर्क इज टू बी डन, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज डब्ल्यू अपॉन क्यू। यू कैन राइट दी ऑल थिंग्स इन द नोट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्लीज नोट डाउन। नोटेड सर।
All of you understood or not? Understood, sir. Here, I want to discuss the next term is potential difference. That is nothing, that is only electrical potential. Potential difference. इसमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस में अगर मैं इसी को ये पॉजिटिव चार्ज मैं फिक्स करता हूं यहीं पर पॉजिटिव चार्ज यहां पे फिक्स करता और डी पॉइंट यहां पे ये इंफिनिटी से भी जाता है ये चार्ज के अंदर अंदर ये पॉइंट यहां से ए से बी तक इसके अंदर जब कोई भी चार्ज यहां से यहां लाया जाएगा क्यू चार्ज यहां से बी तक लाया जाएगा तो यहां पर भी कुछ वर्क किया जाएगा एंड दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस यहां इंफिनिटी का काम नहीं है चार्ज का जो फिक्स चार्ज का जो इंफ्लुएंस है उसके अंदर ही हम चार्ज को शिफ्ट करते हैं राइट सर एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस आई वांट टू टेल दिस वन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Potential difference between two points, ये between two points होता है जब positive charge यहाँ पे हम shift करते हैं एक point से दूसरे point पे ये इस charge के influence में fixed charge तो होता ही है उसका जहाँ influence होता है वहां उसी के अंदर ही दो point होते हैं उसको shift करना पड़ता है So potential difference between two points is the amount of work done. Amount of work done. In moving a unit positive charge from one point to another point, यहाँ infinity से नहीं ला रहे, हम यहीं से a से b पे ले जा रहे हैं unit positive charge को, और ये charge अलग से है, ये fixed charge है, इसी के influence में हम charge को ले जा रहे हैं, जब यहाँ से आप ले जाओगे तो कुछ ना कुछ तो energy waste करनी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ तो work करना पड़ेगा ना, वही work done जो होता है, वही voltage होती है potential Please write that is also work upon charge. That is also work upon charge. ये सब चीजें आप potential difference के अंदर भी लिख सकते हैं. Work upon charge, work upon Q, one joule per coulomb. और इसी में ही आप potential difference का SI unit जो होती है वो same होती है. That is volt and one volt is equal to one joule per coulomb. और इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी देखो बेटे दीज आर द टू टर्म्स वन इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अनदर इज पोटेंशियल डिफरेंस इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर चार्ज जो होता है वो इंफिनिटी पे होता है मतलब ये जो फिक्स चार्ज का इंफ्लुएंस है वो बाहर होता है वहां से हम इसके अंदर लेके आते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसके इंफ्लुएंस के अंदर ही अंदर होता है मतलब ए से बी तक हम किसी भी यूनिट पोजिटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में केवल एक डिफरेंस आपको करना पड़ेगा दैट इज वो इंफिनिटी से लाया जाता है ये वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वही वर्क डन होता है दोनों चीजें वर्क डन होती है प्लीज नोट डाउन दोनों को नोट्स के अंदर अलग अलग लिखना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलग लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस अलग लिखना है Now the next term I want to tell you that is electric current. Student, listen it carefully. ध्यान रहे मेरे पास दो मेटल है
I have two metals, suppose, and this is positively charged, or here I am negatively charged. ये जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ये होता है हाई पोटेंशियल, और नेगेटिवली चार्ज होता है लो पोटेंशियल. प्लीज सी ऑन द बोर्ड व्हाट आई एम सेइंग टू यू. इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, इट इज नेगेटिवली चार्ज. ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल. ध्यान रहे, जो और जो नेगेटिवली चार्ज है ये है इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव करेंगे इधर की साइड, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड मूव करेंगे. ध्यान रहे, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड मूव करेंगे. और जो करंट है आई जो है, आई करंट जो है वो पॉजिटिव टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा. देखो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. और जो चार्ज यहाँ पर मूव कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव इधर से इधर कर रहे हैं, बट जो करंट की डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इस बात का ध्यान रखना. और जो करंट होता है दैट आई, दिस इज डिनोटेड बाय आई, रेट ऑफ फ्लो चार्ज मींस क्यू अपॉन टी, चार्ज इज क्यू अपॉन टी, और इसकी जो यूनिट होती है कूलम, और ये होती है सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, और ऐसा यूनिट जो होती है इसको वन कूलम पर सेकेंड बट इज कॉल्ड, ऐसा यूनिट इज एम्पियर, एम्पियर इट इज नोन ए, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. And 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. One coulomb charge flows in 1 second. It's called 1 ampere. It's called 1 ampere. मैंने आपको देखो, आप कहीं पर भी आप चीज देख लीजिए, अगर आप किसी भी मेटल को आप हीट करते हैं, अगर उसको गर्म करते हैं, तो हीट एनर्जी भी जो है ना वो ज्यादा हीट से कम हीट की तरफ फ्लो करती है. You are taking my point. Heat energy. Yes, sir. जो कम हीट, ज्यादा हीट से कम हीट की तरफ फ्लो करती है. ऐसी जो पोटेंशियल है, जो करंट है, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है. बट जो कन्वेंशन डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है. वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है. करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज राइट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. ये पूरी का पूरा नोट्स आपको लिखना पड़ेगा बिल्कुल. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, प्लीज गिव मी द मैसेज और यू प्लीज स्पीक. यस सर. यस सर. प्रगति, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सर. व्हाट इज, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, प्लीज राइट. करंट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. और एक बात मैं बता दूं, अगर सपोज वायर में आपको करंट है यहाँ पे, इफ आई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस वायर एंड दिस वायर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, ये करंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आई वायर एंड आई. कंटिन्यूअस फ्लो में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आई वायर एंड आई टू. ये ध्यान रखना. नाउ आई विल टेल यू अबाउट इलेक्ट्रिकल सर्किट. ये सब चीजें नोट डाउन करो, सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आगे आपको काम आएगी, 11th स्टैंडर्ड में काम आएगी आपको.
Now I am telling you electric circuit. एक सर्किट डायग्राम में बताता हूं, प्लीज सी ऑन द बोर्ड. ये मैंने सर बनाया, ये की, ये रियोस्टेट, ये रेजिस्टेंस लगाया था और रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में. यहां मैंने एमीटर लगाया ए और ये सर्किट है, ये सेल है, ये वोल्ट मीटर है. आप दोनों ही वोल्ट लिख दीजिए बेटा, एमीटर ये रेजिस्टेंस को आया, इसी के बीच में हमें करंट फ्लो देखना है, इसी के बीच में वोल्टेज देखने, कितनी वोल्टेज इसमें से फ्लो है. ये मैंने ओपन सर्किट बनाया है. अभी मैंने एक की होती है, इसको क्या बोलते हैं, की होती है. आप इन चीजों को जो सर्किट डायग्राम है, अगर आप स्कूल में आते तो लेबोरेटरी में मैं जरूर बनवाता इसका. आप दो चीजें और लिख दीजिए, द करंट इज मेजर्ड बाई द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर. प्लीज राइट दिस वन, करंट इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज एमीटर. एमीटर से हम किसी भी क्वांटिटी ऑफ करंट इन एम्पियर हम एमीटर से मेजर कर सकते हैं. एंड वोल्ट मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज. वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इसके बीच में टू पॉइंट होती है. और ध्यान रहे, एक चीज और लिखी है एमीटर में, एमीटर हैव वेरी लो रेजिस्टेंस. बेटे जब लो रेजिस्टेंस होगी एमीटर का, तभी तो करंट फ्लो होगा ना इसमें, देन ओनली द करंट विल फ्लो ना. एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस. वो रेजिस्टेंस वायर के पैनल में इसी में लगाया जाता है. ध्यान रहे, ये चीजें एमसी की क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द करंट इज एमीटर, इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर. एमीटर हैव वेरी लो रेजिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस. ध्यान रहे, यस सर. राइट साइड का नहीं दिख रहा है, सर राइट साइड का डायग्राम नहीं दिख रहा. नाउ यस सर, सो मतलब इन व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट द एमसीक्यू क्वेश्चंस आल्सो. इसमें भी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इनमें भी आपसे पूछ सकते हैं, व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर द वोल्टेज दैट इज वोल्ट मीटर, मेजर द करंट एमीटर. ओके बेटा, और ये जितने भी आप होती है, ये जो लाइट में दिखाता हूँ ये होती है कनेक्टिंग वायर्स. और ये जो होता है, जब एक का दिखाया, इधर लंबा वाला होता है पॉजिटिव साइड और इधर होता है नेगेटिव साइड, ये होता है सेल. और अगर अगर हम इसको ज्यादा बढ़ा दें तो ये क्या हो जाता है बेटे, बैटरी. अगर हमें ज्यादा करंट चाहिए तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं बैटरी. हम सेल की जगह बैटरी भी यूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड? ये होता है की, की को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं. और अगर सपोज ये ऑन करेंगे तो यहाँ बोर्ड लगा दें, और वैसे की को हम ऐसे भी दिखाते हैं. ये करंट हमारा, ये की है, और इसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा. दिस इज की.
और ये बोल में करके ये होता है एमीटर, बोल में करके ये होता है वोल्टमीटर, ये रियोस्टेट आरएच, मूविंग रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस वायर होती है उसको हम दिखाते हैं। ये एक सर्किट डायग्राम है, सिंपल सर्किट डायग्राम, और ध्यान दे रहे वोल्ट मीटर हम खत्म पैरेलल टू द रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये पैरेलल है, और एमीटर जो होता है वो सीरीज में होता है, भाई लाइन में है ना, जैसे कि सेल एमीटर रेजिस्टेंस ये सब क्या है बेटा, सीरीज में है, बट वोल्ट मीटर को मैंने रेजिस्टेंस वायर के कहां डाला है, पैरेलल में डाला है। वोल्ट मीटर हरदम दो पॉइंट्स के बीच में मेजर किया जाता है, अंडरस्टूड? सो इट इज ए ओपन सर्किट, इट इज ए ओपन सर्किट, ये सर्किट डायग्राम आपको अच्छी तरह बनाना है और इसके अंदर हर चीज बतानी है कि वो क्या है, वो ये वो वोल्ट मीटर, ये एमीटर, ये रेजिस्टेंस वायर, वो रियोस्टेट, ये की है, ये सेल है, सेल की जगह हम बैटरी भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्टूड? Yes, sir. And this is called a circuit diagram. And by the help of this circuit diagram, we will discuss Ohm's law. Please come to the topic now. देखिए सर्किट डायग्राम, मैं बैटरी यूज कर रहा हूं, की यूज किया, ये रियोस्टेट आर एच यूज किया, ये एमीटर और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वायर, और इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर, ये सर्किट डायग्राम मैंने इसमें चित्र बनाया, कैन यू सी दिस सर्किट डायग्राम? यस सर। ओम्स लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ नाउ। Please write what I speak, please write, you can write mathematically, you write theoretically also, first of all you write the current flowing through a conductor is directly proportional to V voltage or potential difference. Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. इसके end पे जो conductor के end पे जो potential difference होगा, ends of the conductor. This is called Ohm's law. Current is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. Or I can say, listen here, current is directly proportional to the potential difference. इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, potential difference is directly proportional to the current. और यहाँ पे मैं proportionality constant लगाता हूँ, that is R. Where R is a proportionality constant, and this R is called ये परपोशनल कांस्टेंट कहलाता है रेजिस्टेंस।
ज्ञान है, इसको आप जब ओम लगो आप एक्सप्लेन करेंगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यू कैन राइट, इसको उल्टा लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड देन प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो है वो इक्वल में चेंज होता है, प्रोपोर्शनल क्या कहलाता है, आर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, एंड वी इज इक्वल टू आईआर, दिस इज ओनली कॉल्ड ओम्स लॉ, राइट सर, ध्यान रहे, if I am putting here this formula P upon I is equal to R, जो proportional बोल रहे हैं resistance है वो P upon I होती है, ध्यान रहे resistance is directly proportional to the potential difference होती है, but inversely proportional to the current by this relation, इस relation से आप ये बता सकते हैं if you increase the current रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, और करंट को कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और आई कैन से आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि आप लिसन केयरफुली, व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर वो उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इसीलिए तो हम कहते हैं, हमने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर बताए थे ना बेटा, इन इंसुलेटर करंट इज नॉट फ्लोइंग, इट मीन्स हैविंग हाई रेजिस्टेंस, इंसुलेटर्स क्या होते हैं बेटे, हाई रेजिस्टेंस के होते हैं, मतलब रेजिस्टेंस क्या होती है, विच रेजिस्टेंस कम फ्रॉम रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब रोकना, रेजिस्टेंस मीन्स जो फ्लो करंट को रोके, यू आर टेकिंग माय पॉइंट, यस सर, तो इंसुलेटर्स क्या होंगे जो हाई रेजिस्टेंस होंगे, और जो कंडक्टर्स हैं उसके अंदर से करंट फ्लो ज्यादा होता है तो वहां रेजिस्टेंस कम होती है उस कंडक्टर्स की, और जो सुपर कंडक्टर्स हैं उसकी तो रेजिस्टेंस जीरो होती है बेटा, जीरो के आसपास होती है, तो जीरो कंडक्टर में उसके जो कंडक्टर्स में सुपर कंडक्टर्स होते हैं उसमें करंट इतनी बढ़िया तरीके से फ्लो होता है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं जो उसके करंट को, इंप्योरिटी तो है ही नहीं जो फ्लो करंट को रोकेगी, यस सर, सो फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन टेल दैट रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, अंडरस्टूड, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यू कैन टेल, यू कैन टेल द रिलेशन बिटवीन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सो ये आपको समझ में आया बेटा पूरा, यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन, यस सर, यस सर, कैन यू राइट इन योर कॉपी बहुत अच्छी तरीके से, यस सर, यस सर, यस सर, दिस सिंपल, दिस द रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मीनिंग आपको पता चला भी, और इसके ऊपर उन्होंने इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर एंड होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, तब मैं इनकी सबकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लूंगा सारी, एंड वी विल डिस्कस अबाउट, क्योंकि इनसे हम बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, है ना, बिकॉज बी इक्वल टू आई आर, इसमें कुछ भी रिलेशन बन सकता है, आर इक्वल टू बी अपॉन आई बन सकता है, आई इक्वल टू बी अपॉन आर हो सकता है, कुछ भी आप ओम्स लॉ के इस रिलेशन से कुछ भी बना सकते, ओके, सो यू कैन डू सो मेनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बाय ओम्स लॉ, और यू नो इफ यू आर टेकिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बी अपॉन आई, रेजिस्टेंस वी नो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वी नो द यूनिट ऑफ करंट ऑल्सो, अगर रेजिस्टेंस की यूनिट आप निकालते हैं तो क्या होगा, वोल्ट
upon A ampere means volt per ampere, 1 volt per ampere, 1 ampere. अगर हम किसी भी सर्किट में 1 वोल्ट मतलब 1 एम्पियर करंट और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो 1 एम्पियर का हो, दैट इज कॉल्ड 1 रेजिस्टेंस होती है, और उसकी एसआई यूनिट जो होती है ओम, इन नो डाउन एसआई यूनिट इज ओम, और इसका जो दिस इज द मैं दिस इज द फिगर दैट ओम इज रिटन लाइक दिस. You can write this one. This is ohm. Okay. So 1 ohm जो होता है, 1 ohm जो होता है, वो कि 1 volt upon 1 ampere. 1 ohm जो होता है, that is 1 volt upon 1 ampere. ये सारे numerical problem में ये सारे use होंगे. Ohm is the unit of resistance. Ohm is the unit of resistance. अच्छा, I want to ask one question here to you people. इसको discussion के बाद, इसका discussion के बाद मैं थोड़ा सा और discussion करना चाहता हूँ. Listen. You can write, I will write this point here. ये तो मेरे ख्याल सब कुछ समझ में आ गया होगा. ओम की रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है? Yes sir. Now I will discuss factors on which resistance depends. Resistance किस किस चीज पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लीज नोट डाउन दिस वन केयरफुली. ये नोट्स के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह लिखना है. पहला लिखो फर्स्ट पॉइंट. थ्योरेटिकली तो आप भी लिख लेंगे, थ्योरेटिकली मैं लिखा नहीं लेंगे समझता. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. एल जो होती है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है आपका जो कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हो उसकी लेंथ कितनी है. L पहली चीज डिपेंडेंट है. रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सेकंड यू राइट रेजिस्टेंस. सेकंड यू राइट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. This is what area of cross section. Area of cross section के ऊपर resistance depend करती है. Inversely proportional होता है. Area ज़्यादा होगा, resistance कम होगा. Right sir? उसका area ज़्यादा होगा, resistance कम होगा. Length होती है, length पे directly proportional. Length ज़्यादा होगी, resistance ज़्यादा होगा. और area ज़्यादा होगा, resistance कम होगा. अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये होगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन एम. आई राइट? ओके यस सर. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. तो इससे आपको दोनों मैंने रिलेशन को मिलाया. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. और इस प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन को हटाने के लिए आर इज इक्वल टू रो L. This is called rho. R F O. This sign, ये जो sign है वो rho का. This rho is a proportionality constant, and this rho मतलब ये
This is called, this is what? Resistivity. सर नहीं लो सर हाँ तीन क्लास है मेरी तो भूल जाओ क्या बोले दिस रो इज टर्म दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एंड दिस रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या होती है बेटे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है दिस इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अंडरस्टूड दिस इज रेजिस्टिविटी रो जो होती है वो रेजिस्टिविटी होती है एंड दिस रो अगर मैं इस फॉर्मूले से रो निकालता हूं तो दिस रो इज इक्वल टू ए इनटू आर अपॉन एल मतलब कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर रखे और 1 मीटर का लेंथ रखे तो जो रो होगा वो किसके बराबर होगा मतलब ये एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफाई करना है उसकी डायमेंशंस को स्पेसिफाई करना है उसकी डायमेंशन भी क्रॉस सेक्शन होना चाहिए 1 लेंथ 1 तो जो रो होगी वो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी एट दैट इज रेजिस्टेंस के बराबर होगी आर के बराबर वैसे रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस होती है बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है और इसकी जो यूनिट होती है अब आप इसकी यूनिट को रखेंगे रो सी दिस इज व्हाट ए इज व्हाट एरिया क्रॉस सेक्शन इज व्हाट मीटर स्क्वायर ये रेजिस्टेंस इन ओम लेंथ इज मीटर एक मीटर यहां से कटेगा ये आएगा ओम ओम मीटर रजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होगी वो होगी ओम मीटर मतलब वहां लेंथ जरूर इंक्लूड हो जाएगी स्पेसिफाई हो जाएगी लेंथ कितने लेंथ की रेजिस्टेंस भाई और कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तभी अब वो एक स्पेसिफाई हो जाएगा कि स्पेसिफाई में इसकी रजिस्टिविटी ये हो ओम मीटर ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर बेटे मैं अभी मैथमेटिक्स क्लास को भी चालू करूंगा सो इसको मैं एंड करूंगा दोबारा ज्वाइन करूंगा यू पीपल प्लीज ज्वाइन ऑल ऑफ यू ओके 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 सर सर